जय हिंद, वेलकम टू सक्सेस एक जिद। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान में जो आपकी बेसिक एंड सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी आपकी आउट हुई है टोटल 10,157 पदों पर, उसके बारे में। इस भर्ती की जो भी आपकी कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं, और साथ ही साथ इस भर्ती से जुड़े कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि इसकी एज लिमिट, इसकी सैलरी, इसका एग्जाम पैटर्न, इसकी जॉब लोकेशन, मेरिट किस बेस पर बनेगी, कैसे बनेगी, कब बनेगी, चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो ये है आपकी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपका आज 1 फरवरी 2022 को आउट हुआ है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन किस बारे में है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के संबंध में। तो यहाँ पर ये जो भर्ती है, सबसे पहले ये चीज़ नोट कीजिएगा कि आपकी ऑनलाइन रहने वाली है, यानी कि आपको ऑनलाइन तरीके से जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो फिल करने होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें वैकेंसी के बारे में, तो आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पर आपकी 10,157 वैकेंसी रहने वाली हैं जो कि आपकी पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज डिवाइड हैं। अब किसकी कितनी वैकेंसी हैं वो सुनिएगा। तो सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की टोटल आपकी 9,862 वैकेंसी हैं, जिसमें गैर अनुसूचित अक्षेत्र की 8,974 और अनुसूचित अक्षेत्र के टोटल आपकी 888 वैकेंसी हैं। वहीं बात करें आपकी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की पोस्ट के लिए, टोटल आपकी कितने वैकेंसी हैं, 295 वैकेंसी हैं, जिसमें से आपकी 282 वैकेंसी गैर अनुसूचित अक्षेत्र की और 13 वैकेंसी आपकी अनुसूचित अक्षेत्र की डिवाइड की गई हैं। तो यहाँ से इस प्रकार आप लोग जो अपनी वैकेंसी है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है, आपको हमने बताया कि इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपकी फ़ीस रखी गई है जो कि आपके सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी और कीमेलियर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग है वहाँ पर फीस आपकी रहेगी 450 रुपये, 450 रुपये। और इसके साथ ही साथ जो राजस्थान के नॉन कीमेलियर श्रेणी के पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS वाले कैंडिडेट हैं, उनकी फ़ीस आपकी 350 रुपये, 350 रुपये रखी गई है। और इन सब के अलावा जो समस्त विशेष योग्य जन हैं और राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक हैं, उनकी फीस यहाँ पर 250 रुपये यानी कि 250 रुपये रखी गई है। और यहाँ पर ये जो वैकेंसी आपकी रहने वाली हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, वो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज और हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं, जो कि यहाँ पर हर एक कैटेगरी की, हर एक डिस्ट्रिक्ट जो भी वैकेंसी है, जनरल, EWS, SC, ST, OBC, MBC और यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसकी वैकेंसी यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसमें भी आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि आपकी जो वैकेंसी है बेसिक कंप्यूटर और आपकी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, ये दोनों ही आपकी अलग अलग, यानी कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी अलग से और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी आपकी अलग से कैटेगरी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी डिवाइड हुई हैं। अगर हम बात करें आपकी सैलरी की, तो यहाँ पर देखिएगा जो आपकी कौन सी पोस्ट है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की पोस्ट है, उसकी सैलरी आपकी रहेगी पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार, और यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की जो यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी वो आपकी पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार आपकी रहने वाली है। अब यहाँ पर जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता वो क्या रखी गई है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, किसमें, मास्टर इन इंजीनियरिंग ME या फिर मास्टर इन टेक्नोलॉजी MTech, इन कंप्यूटर साइंस CS, या फिर आपका IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर आपका EE
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास होना चाहिए ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास होना चाहिए ETE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास होना चाहिए EIE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। अगर इन सब के अलावा यहाँ पर आपके पास MSc है इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA विद बी लेवल एंड सी लेवल, या फिर इनमें से किसी भी एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से यहाँ पर आप डिग्री आप हासिल करते हैं, अपने पास डिग्री आप लोग रखते हैं, तो ही आप लोग यहाँ पर जो है एलिजिबल होंगे। यदि आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप लोग वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनमें से या तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो या फिर आपके पास कोई मास्टर डिग्री हो तभी आप लोग एलिजिबल होंगे। और इनके साथ साथ यहाँ पर आपको जो है हिंदी लैंग्वेज का और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। वहीं अगर हम बात करें आपके जो अगली पोस्ट है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में देखिएगा यहाँ पर आपके पास जो मैंने ऊपर आपको क्वालिफिकेशन बताई थी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पोस्ट के लिए, वहाँ पर आपके पास होनी चाहिए थी मास्टर डिग्री, और यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए सेम क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है, लेकिन वो आपकी होनी चाहिए बैचलर डिग्री। ओके, यहाँ पर आपको फिर से बताता हूँ कि जो भी आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है या फिर आपकी जो भी बैचलर डिग्री है वो आपकी बैचलर होनी चाहिए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, और आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। वहीं अगर हम बात करें आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, तो आपके जो एज लिमिट है ना वो आपके 18 से 40 साल रखी गई है, जो कि काउंट होगी आपकी 1 जनवरी साल 2023 के अनुसार। यहाँ पर 1 जनवरी साल 2023 को आप कम से कम 18 और अधिक से अधिक आप लोग यदि 40 वर्ष के हो जाते हैं तो ही यहाँ पर आप लोग जो है वो एलिजिबल हो पाओगे। लेकिन यहाँ पर एज लिमिट में छूट भी है, छूट किसको कितनी है वो सुनिएगा। तो जो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं फीमेल कैंडिडेट हैं उनको एज में 5 साल की छूट है। जो भी आपकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, कहाँ के आपके पुरुष अभ्यर्थी राजस्थान के स्थायी निवासी, उनको भी एज में 5 साल की छूट मिलेगी। और यहाँ पर जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं कौन कौन है, आपके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर महिला वर्ग के जो कैंडिडेट हैं वो आपकी एज में छूट मिलेगी 10 साल के, जो कि यहाँ पर राजस्थान की स्थायी निवासी होंगी। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि इस भर्ती के जो फॉर्म आपको अप्लाई करने हैं वो आपको ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करने होंगे, तो यहाँ पर आपके फॉर्म को फिलअप करने का जो स्टार्टिंग डेट रहेगी वो है आपके 8 फरवरी साल 2022 और लास्ट डेट आपकी है 9 मार्च साल 2022। यदि इन डेट के बीच में फॉर्म आप लोग अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन आप लोग लास्ट डेट का इंतज़ार न करें क्योंकि लास्ट डेट वेबसाइट आपकी बिजी हो जाती है। वहीं बात करें कि यहाँ पर आपके जो पहली प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगा आपका रिटर्न एग्जाम आपकी लिखित परीक्षा, और इसकी जो लिखित परीक्षा की यहाँ पर आपकी डेट रखी गई है वो है आपके संभावित डेट एक्सपेक्टेड डेट मई या फिर आपका जून, फिर से बताता हूँ या तो मई या फिर जून साल 2022 में आपकी एग्जाम डेट की यहाँ पर जो कि एक्सपेक्टेड आपकी डेट आपको बताई गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या कुछ फॉलो रहेगा, तो आपके एग्जाम डेट आपको हमने बता दी है, अब आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपके जो पहली पोस्ट की अगर हम बात करें आपकी सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, तो आपका पेपर जो है ना वो टोटल आपका 200 नंबर का रहेगा, जिसमें टोटल आपके जो है 2 पेपर होने वाले हैं और आपका एक पेपर सोमवार का होगा
यानी कि दोनों पेपरों को मिलाकर आपका जो है 200 नंबर का एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर आपका जो एक पेपर होगा, पहला पेपर है, वो भी 100 नंबर का होगा और दूसरा पेपर भी आपका 100 नंबर का होगा। यहाँ पर आपका जो पहला पेपर होगा उसकी अगर बात करें ड्यूरेशन की, तो टोटल यहाँ पर 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है और इसमें जो है आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर आपके एग्जाम में 1/3 के जो नेगेटिव मार्किंग है ना, वो भी आपको देखने को मिलने वाली है। बात करें यहाँ पर आपके पेपर वन में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर जो आपका राजस्थान जीके है वो आपका आने वाला है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जो मैथ के क्वेश्चन हैं और जीके का जो क्वेश्चन है, वो सब यहाँ से आपसे पूछे जाने वाले हैं। वहीं बात करें पेपर सेकेंड की, तो आपका जो देखिएगा सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए पेपर होने वाला है, वो दूसरा पेपर भी आपका 100 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ पर भी आपकी 1/3 के जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर आपके क्वेश्चन देखिए, मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल्स यानी कि आपके जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी है वो आपके पेपर सेकंड में आपसे पूछे जाने वाली है। यहाँ पर कंप्लीट जो सिलेबस है वो आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। वही बात करें आपके जो सेकंड पोस्ट है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, तो सेम चीज़ आपके यहाँ पर फॉलो रहेगी। 200 क्वेश्चन का आपका जो पेपर का सेट होगा, दो पेपर का, एक पेपर 100 क्वेश्चन 100 नंबर, दूसरा पेपर 100 क्वेश्चन 100 नंबर और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की यहाँ पर आपके रखी जाएगी। बस इसमें जो भी आपका सिलेबस होगा वो भी सेम रहेगा, लेकिन उसका जो एग्जाम का लेवल है ना, वो आपका यहाँ पर डिफरेंट रखा जाएगा, जो कि आपका बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपका जो है ग्रेजुएट लेवल का, और आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए जो आपका एग्जाम का लेवल रहेगा वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन का लेवल रखा जाएगा। और जो भी यहाँ पर आपका एग्जाम होने वाला है उसके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। और जैसे ही आपके एग्जाम डेट आती है, आपके ऑफिशियल एग्जाम डेट डिक्लेयर होती है, आपके एडमिट कार्ड आते हैं, वो सारी बातें बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको हमें इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो ये थी आपकी बढ़ती एक कंप्लीट जानकारी जो कि आपको हमने बता दी है। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इन सब के अलावा कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए। जय हिंद।